इनकम टैक्स रिटर्न सही तरह से फाइल नहीं होने पर उसके रिजेक्ट हो जाने की आशंका रहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स इसीलिए आईटीआर फॉर्म भरने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका ये भी कहना है कि टैक्स पेयर्स को जल्दबाजी में रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से टैक्स पेयर्स को रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है तो उसे सीए या टैक्स एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न रिजेक्ट होने के बाद टैक्स पेयर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आम तौर पर टैक्स पेयर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला है फॉर्म में गलत जानकारी। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स फॉर्म में कोई गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऐसे किसी डिडक्शन का दावा नहीं करना चाहिए जिसका वह हकदार नहीं है। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी की एक या दो बार जांच कर लेनी चाहिए। कई बार कैलकुलेशन में गलती होने से फॉर्म में गलत जानकारी चली जाती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म के इस्तेमाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। दूसरा है फॉर्म 16 और AIS के डेटा में फर्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स पेयर्स के हर फाइनेंशियल पर नजर रखने के कई तरीके हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इनमें सबसे प्रमुख, इसी तरह सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट फॉर्म 16 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16 और AIS में दी गई जानकारी को ठीक तरह से समझ लेना जरूरी है। इससे ITR में गलत इन्फॉर्मेशन जाने की आशंका घट जाएगी। टैक्स पेयर्स फॉर्म 16 और AIS के डेटा को मैच करने की सलाह देते हैं। तीसरा है डेडलाइन तक फॉर्म सबमिट नहीं करना। ITR फाइल करने की अंतिम तारीख से पहले ITR फॉर्म को सबमिट करना जरूरी है। आमतौर पर टैक्स पेयर्स पहले से ITR फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन वे सबमिट नहीं करते हैं। किसी वजह से फॉर्म समय पर सबमिट नहीं होने से उनका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद फिर पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल करना होगा। चौथा है टैक्स कैलकुलेशन में गलती। टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में गलती होने पर भी ITR रिजेक्ट होने की आशंका रहती है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन सही तरह से कर लेना चाहिए। उसे डिडक्शन, एग्जम्पशन और टैक्स रेट का सही तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो टैक्स एक्सपर्ट की सलाह ली जा सकती है। पांचवा है फॉर्म को वेरीफाई नहीं करना। इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बाद उसे वेरीफाई करना जरूरी है। इसे वेरीफाई करने के कई तरीके हैं। इसे आधार से OTP के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर वेरीफाई किया जा सकता है। ITR-V फॉर्म पर हस्ताक्षर कर इसे बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा जा सकता है। अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और उसे वेरीफाई करना भूल गए हैं तो आपके रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा। ITR को वेरीफाई करने के लिए डेडलाइन तय है।